बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद कैसर, आपका टीचर, आज दूसरे लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेरिवेट द क्वाड्रेटिक फार्मूला। दो दर्जी फार्मूला को हमने अखज़ कैसे करना है, कैसे हम दो दर्जी फार्मूला बना सकते हैं, आज का हमारा ये टॉपिक होगा। बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो काइंडली लाइक के बटन पर प्रेस कीजिए। आइए हम अपना प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करते हैं, डेरिवेट द क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए कि वो आपके पास क्या है। वो हमारे पास है x इज इक्वल टू, मीन टू से हम ये करना चाह रहे हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो ये होगा कि ये फार्मूला हमें बनाना है। इस फार्मूले को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म का पता होना चाहिए, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास जो होती है वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। हमें पता है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दो दर्जी मुसावात की ये होती है। हमारा सबसे पहला टॉपिक डिवाइड इट, डिवाइड द अबव इक्वेशन बाय ए। ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को हम ए से डिवाइड कर देंगे, ए एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय ए प्लस बी एक्स डिवाइड बाय ए प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर ए। हमने पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दिया, ए से ए कैंसिल, एक्स स्क्वेयर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए एंड व्हेन ज़ीरो डिवाइड बाय ए आंसर शुड बी ज़ीरो। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी ओवर एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास यहाँ तक एक मुसावात अगेन बन गई जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर ए आ रहा है। हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड आपके पास क्या होता है कि हमें जिस तरह नाम से पता चल रहा है कि स्क्वेयर को कंप्लीट करना है। हमने स्क्वेयर कंप्लीट कब होता है, मीड वाली टर्म का, जिसमें हमारे पास x की हाईएस्ट पावर, x इज वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, हमने उसका स्क्वेयर मुकम्मल करना है। यानी कि b ओवर a मिड वाली टर्म का स्क्वेयर हम कंप्लीट करते हैं। मिड वाली टर्म का हमेशा याद रखना है कि कोएफिशिएंट, वो हमारी मिड वाली टर्म हमारे पास जो है वो है b ओवर a इंटू एक्स, ये हमारे पास मिड वाली टर्म है। हम एक चीज़ हमेशा रिमाइंड रखनी है आपने कि हमेशा कोएफिशिएंट, ये हमारे पास जो x है ये है आपके पास वेरिएबल, और जो b ओवर a टर्म है ये आपके पास है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट वो होती है कि जिनकी वैल्यूज हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। x वेरिएबल वो पॉइंट्स होते हैं, वो आपके पास चीजें होती हैं जिनको हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर या आंसर के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आता। सिर्फ हमने वेरिएबल को चेंज नहीं करना, वेरिएबल का हाफ नहीं लेना, सिर्फ कोफिशेंट का हाफ लेना है। तो b ओवर a, इसका हाफ क्या होगा, b ओवर a डिवाइडेड बाय 2, व्हेन 2 डिनोमिनेटर आल्सो डिनोमिनेटर देन 2 मल्टीप्लाई विद प्रीवियस डिनोमिनेटर, तो बन जाएगा हमारे पास b ओवर 2 a। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड, b ओवर a डिवाइडेड बाय 2, उसका हमने हाफ ले लिया कोफिशेंट का, तो 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b ओवर 2a। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, एक्स स्क्वेयर प्लस b ओवर a x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वेयर 1 टाइम प्लस 1 टाइम सब्ट्रैक्ट स्क्वेयर प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0। देखें अब आप, अगर एक्स स्क्वेयर एक दफ़ा प्लस की एक दफ़ा माइनस की, यानी कि मैंने एक दफ़ा उसका स्क्वेयर मीन के पावर 2 होनी चाहिए, मैंने एक दफ़ा स्क्वेयर को ऐड भी कर दिया, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, प्लस माइनस आपस में अगर मैं इनको कैंसिल आउट कर दूं फिर भी मेरे पास ऊपर वाला सेंटेंस ओके हो जाए, क्योंकि मैथ्स में रूल है जब हम अपनी मर्जी से कोई चीज़ ऐड करते हैं तो जो चीज़ ऐड करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करना भी असेंशियल होता है। इसी तरह अगर आप कोई चीज़ माइनस करते हैं तो उसको प्लस करना भी असेंशियल होता है। अब देखें, एक्स स्क्वेयर प्लस बी ओवर x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर माइनस बी ओवर 2a होल स्क्वायर प्लस सी ओवर a इज इक्वल टू 0। हमने मैथ्स में फार्मूला पढ़ा हुआ है
a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2 formula ka a into b. a plus b whole square always equal to a square plus b square plus 2 formula a into b. इसी तरह देखिए मेरे पास ये फार्मूला भी कंप्लीट हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू फार्मूले का फर्स्ट इनटू सेकंड. तो हम इसको लिख सकते हैं, फार्मूला मेरे पास कंप्लीट हो गया, एक्स प्लस बी ओवर टू ए होल स्क्वायर प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू जीरो. C over A is equal to 0. अगर आप इसको डायरेक्ट उधर लेके जाना चाहते तब भी लेके जा सकते. ये तो मेरे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया. इधर आ गया मेरे पास माइनस B over 2A होल स्क्वायर प्लस C over A is equal to 0. ये मैंने फार्मूला बना लिया, फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस B over 2A होल स्क्वायर. ओके गाइस, अब इसको सॉल्व आउट करते हैं. x प्लस बी ओवर टू ए में वैसे ही रहने दूंगा, यहाँ पे इज इक्वल टू सी ओवर ए प्लस है माइनस सी ओवर ए, ये भी माइनस हो रहा है तो उधर जाके प्लस बी ओवर टू ए होल स्क्वायर. ये साइड मेरे पास अभी तक वैसे ही चल रही है, माइनस सी ओवर ए प्लस स्क्वायर ऊपर करूंगा तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टू द फोर ए स्क्वायर. इसको मैं तरतीब दे रहा हूँ, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर ए स्क्वायर माइनस सी ओवर ए. दो डिनोमिनेटर, दो टर्म्स, दो फैक्टर आपके पास बन गया, तो एलसीएम ले लूंगा मैं यहाँ पे. फोर ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा मेरे पास, फोर ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर, फोर ए से ए कैंसिल ए सी. यहाँ पे मेरे पास एक्स प्लस बी ओवर 2a whole square as it is है. मेरे पास टर्म आपके पास आ गई x plus b over 2a whole square is equal to b square minus 4ac. ये रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से जी. तो मेरे पास ये टर्म आ गई, अब मुझे स्केयर खत्म करना है यहाँ से. तो मैं taking square root, square root on both sides. मैं दोनों साइड पे square root ले लूंगा. मेरे पास फैक्टर जो है x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर. ठीक है, अब मैंने इसका स्क्वायर रूट लेना है तो दोनों साइडों पे मेरे पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे मेरे पास बच गया x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस भी आ जाएगा स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस. अब दो चीजें स्क्वायर रूट है ऊपर और आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तो हम उसका स्क्वायर रूट अलग अलग कर सकते हैं. मैं इसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट फोर ए स्क्वायर, एक्स प्लस बी ओवर टू ए एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एज इट इज डिवाइडेड बाय फोर का स्क्वायर रूट टू होता है टू और ए स्क्वायर से स्क्वायर खत्म टू ए. एक्स इज इक्वल टू ये प्लस हो रही है फैक्टर एक्स प्लस उधर जाके माइनस बी ओवर टू ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए. अगेन दो फैक्टर्स मेरे पास आ गए विद डिनोमिनेटर, विद सेम डिनोमिनेटर देन शुड बी एलसीएम, टू ए एलसीएम माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एंड डिवाइडेड बाय टू ए. और यही हमारा आज का टॉपिक था कि प्रूव दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए, हेंस प्रूव्ड. क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें हमने तीनों मेथड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने पिछले लेक्चर में बयान किए थे कि इससे हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो हमने इसमें बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन एंड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड दोनों मेथड इस्तेमाल करते हुए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है उसको हमने प्रूव कर लिया है. थैंक यू.